दीपावली के अवसर पर साथियों एक ऐसी दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें दीपावली के पूजन से ठीक 10 मिनट पहले चाचा भतीजे की एक ऐसी मौत हो गई कि साथियों ना तो दीपावली ही मनी और साथियों बुरी तरह से रोधाड़ मच गई। दरअसल दोस्तों राजस्थान के अलवर से खबर निकल कर आ रही है दीपावली पूजन से 10 मिनट पहले चाचा भतीजे की मौत से परिवार सदमे में है। ग्रामीणों ने बताया कि रामकिशोर योगी पुत्र गेंदालाल योगी अशोक पुत्र श्रीलाल योगी दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। रामकिशोर अशोक दीपावली की खरीदारी करने किशोरी गांव गए थे। वो देर शाम करीब 7:30 बजे गोला का बास अजबगढ़ रोड की तरफ आ रहे थे तो एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप ड्राइवर दोनों को घसीटते हुए 100 फीट तक घसीट तक ले गया। हादसे के बाद सड़क खून से सन गई। रामकिशोर के शव के टुकड़े सड़क पर चिपके गए। हादसे में रामकिशोर की मौके पर मौत हो गई। एसआई रमेश चंद मीणा ने बताया कि घायल अशोक को थाना गाजी हॉस्पिटल में भेजा गया। यहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया लेकिन जयपुर पहुंचते ही अशोक ने दम तोड़ दिया। 3 दिन पहले ही साथियों रामकिशोर के परिजन ने बताया कि दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। 3 दिन पहले ही वो दीपावली की छुट्टियों पर घर आया था। सोमवार शाम को 7:30 बजे रामकिशोर अशोक घर में पूजा की तैयारियां कर रहे थे तभी घर वालों ने दोनों के एक्सीडेंट की जानकारी मिली। रामकिशोर 3 भाइयों में सबसे छोटा था। अशोक शादीशुदा था। उसके 2 साल की एक बच्ची है। अशोक जयपुर आमेर कुंडा में मूर्ति घिसाई का काम करता था। बेहद दर्दनाक खबर। शेयर लाइक कर देंगे।